हम वापस अपने उसी खान पान की ओर लौटे और चूंकि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर जी ए घनश्याम एंगर सर कर रहे थे, इसलिए मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वली सर ने जो भी अपने उद्बोधन में हम सबको संबोधित किया उसे सारांश के रूप में, एक रिपोर्टर के रूप में, अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। डॉक्टर जी ए घनश्याम एंगर सर। धन्यवाद मैडम। सम्माननीय खादर वली जी, आदरणीय मंच, सामने उपस्थित सभी सम्माननीय और साथी विद्यार्थियों, मुझे आज लगा पहली बार कि मैं किसी न्यायाधीश या जज के कटघरे में खड़ा हूं और लगातार न्यायाधीश इतने सारे प्रश्न करते चले जा रहे हैं और उन प्रश्नों का हमारे पास कोई जवाब नहीं है। न केवल मैं कटघरे में खड़ा था बल्कि पूरा का पूरा अमला जो यहां बैठा है, वो पूरी की पूरी सरकार, पूरे के पूरे वो नुमाइंदे जो हमारे लिए बहुत सारे नीति निर्धारक तत्व तय करते हैं, वो सारे कटघरे में खड़े थे। और एक बहुत ही सामान्य भाषा में यदि कोई व्यक्ति हमें अपने स्वास्थ्य के बारे में बताता है और हमें पुनः अपने जड़ की ओर लौटने के लिए कहता है और हम बहुत खुश होते हैं कि हम बहुत अच्छे फूल हैं, बहुत अच्छी डगाल है, बहुत अच्छे हमारे पास जो पौधे हैं और उसमें पत्तियां लगी हैं, लेकिन हम जड़ को नहीं देख पा रहे हैं। आज लगा कि अंग्रेजी में कहावत है कि 100 days ऑफ डिलीजेंट स्टडी इज इक्वल टू 1 day विद अ ग्रेट टीचर। मतलब यदि 100 दिन तक आप कठिन परिश्रम करके कोई पढ़ाई करते हैं तो उससे बेहतर होता है एक दिन एक किसी शिक्षक के पास बैठ जाइए और उससे शिक्षा ग्रहण कर लीजिए। और आज जो शिक्षा प्राप्त हुई है वो शायद सदियों तक की जो हमारी शिक्षा थी उस पर भी बहुत भारी है। और ये भारी इसलिए भी है क्योंकि आज खादर वली जी ने हमें जो मानसिक खाद दिया है वो मानसिक खाद न जाने कितने दिनों तक हमारे पास चलेगा। वो जो चावल जिसका हम गुणगान करते थे, वो जो गेहूं जिसका रोटी खाने के हम थकते नहीं थे, और वो जो शक्कर जो देखने में बहुत अच्छा लगता था, सफेद लगता था, गौर वर्ण लगता था, वो सारे को कटघरे में खड़ा करके उसको नेस्त नाबूद करना और पुनः वापस लौटकर उस कोदो कुटकी और रागी की ओर जाना, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। और ये बड़ा परिवर्तन वही व्यक्ति कर सकता है जो क्रांतिवीर हो, जो क्रांतिकारी हो, और ऐसे व्यक्ति क्रांतिकारी ही होते हैं। यदि भगत सिंह क्रांतिकारी थे देश की आजादी के लिए, तो स्वास्थ्य की आजादी के लिए क्रांतिकारी जो है वो खादर वली जी है। तो मैं चाहूंगा कि खादर वली जी ऐसे क्रांतिकारी को हम सब नमन करें। और अंग्रेजी में एक और कहावत है जहां कहता है कि प्रीचर से डू एज आई से, डोंट डू एज आई डू। जो प्रवचन करने वाले होते हैं वो ये कहते हैं कि मैं जैसा कहता हूं वैसा करो, मैं जैसा करता हूं वैसा कतई मत करो। खादर वली जी उसके ठीक दूसरे एग्जाम्पल हैं। संत ये कहते हैं कि मैं जैसा करता हूं, मैंने जैसा भोगा है, मैंने जैसा पाया है, मैंने जैसा किया है, मैंने जैसा देखा है, वही आपको बता रहा हूं, उसमें किसी प्रकार का कोई एडल्ट्रेशन नहीं है और उसके साक्ष्य भी उन्होंने दिए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम सभी को अपने जीवन शैली में लगातार परिवर्तन की आवश्यकता है। और वो परिवर्तन न केवल भारतीय ज्ञान परंपरा का परिवर्तन है बल्कि हमने न जाने विदेशी तत्वों को अपने अंदर आत्मसात कर लिया है, चाहे वो खान पान में हो, चाहे हमारी बौद्धिक क्षमता में हो, या हम अपने आप को जब विद्वान कहते हैं तो हम उन गांव के जो व्यक्ति जिसको हम खुरबहरा तिहारू या और कुछ नाम से जानते हैं, जो अंगूठा छाप होता है, जो कोदो और कुटकी खाता है, हम उसको कहते हैं कि वो निहायत गरीब है, और हमारे पास आमदनी हो जाती तो हम अपने आप को अमीर समझते हैं, लेकिन वो सारे अमीर आज उस गरीब के सामने निहायत गरीब होकर उसके शरण में आ गए हैं। और इसीलिए आज हम पुनः वापस लौट रहे हैं कोदो कुटकों की ओर, और इतने सारे पैसे होते हुए भी हम उस अनाज की ओर जा रहे हैं जिसमें पानी कम लगता है। यदि जल ही जीवन है तो उस जल को कम से कम मात्रा में लेकर यदि अधिक उपजाऊ देने वाली यदि कोदो कुटकी है तो उस ओर हम फिर वापस लौट रहे हैं। एक समर्थ, सशक्त और सुदृढ़ भारत की परिकल्पना केवल ऐसे ही लोग कर सकते हैं, और ऐसे लोगों को तो लगातार हमें लाना चाहिए, लगातार लोगों से उनका विश्वास बढ़ाना चाहिए, लगातार लोगों से उनका तादात्म्य कराना चाहिए, लगातार लोगों को लाके उनके सामने खड़ा करना चाहिए कि हम ये कह सकें कि अमूल दूध पीता है इंडिया। आज पूरा इंडिया यदि अमूल दूध पीता है तो वो सारा का सारा इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं अस्पतालों में जा रहा है।
और इसीलिए आप देखे होंगे कि कोरोना के बाद जितने मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक खुले, जितने डिस्पेंसरीज खुले, जितने नर्सिंग होम खुले, उतना तो कोरोना के पहले नहीं था, कोरोना के बाद न जाने कितने सारे ऐसे खुल गए। खुले क्यों? क्योंकि हम लगातार बीमारियों को बढ़ाते रहे। तो इसीलिए बेहतर होगा कि खादर वली जी का जो लाइफस्टाइल है उसको हम पालन करें, बोलना नहीं बल्कि अमल में करने का काम करें। और यदि मैं खड़े होकर बोल रहा हूं और मुझे कीर्ति जी ने मिलेट पर बोलने के लिए बुलाया, तो मैंने पहले यह सोचा कि मैं उसको अपने अंदर आत्मसात तो कर लूं, कुछ प्रतिशत तो कर लूं। तो सुबह उठ के मैंने अमली पीना प्रारंभ कर दिया। मैं एक काम तो किया और मैंने अपनी पत्नी आज मेरे सामने बैठी हुई है, मैं उनसे कहा कि एक टाइम मुझे मिलेट जरूर देना, और मैंने मिलेट भी मंगवा लिया। क्योंकि तो जिस मंच पर मैं मिलेट के बारे में बोलूंगा और यदि मैं उसको करता ही नहीं होऊंगा तो मैं बोलने का अधिकार भी नहीं रखता हूं। तो इसीलिए मैं ये प्रारंभ जरूर किया हूं और इसका अंत अब होगा कि आज से मैं शक्कर भी लेना बंद कर दूंगा। क्योंकि यदि शक्कर भी मेरा बंद हो जाता है तो बहुत सारे मेरे स्वास्थ्य में बहुत सारी परिवर्तन हो सकता है। तो ये जो हम गुरुओं से दीक्षा लेते हैं, ये वो गुरु हैं जो आज सबको दीक्षा दे सकते हैं, और हम सभी को इन्हीं गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए। हमारे लिए वो सारे संत महात्मा गुरु हो सकते हैं, लेकिन जीवन का गुरु यदि कोई है और जीवन जीने का यदि सिद्धांत कोई है तो वो खादर वली जी का है। खादर वली जी के हम बहुत आभारी हैं कि छत्तीसगढ़ की धरा, जो कि कोदो कुटकी और रागी का न जाने कितनी प्रचुर मात्रा में उत्पादन करती है, उस धरा की ओर वापस लौटे, उस धरा का श्रृंगार करें। और छत्तीसगढ़ महतारी हरे रंग में है तो हमारा जीवन भी हर भरा रहे। आप हमारे यहाँ आए इसके लिए आपका इस महाविद्यालय की ओर से, छत्तीसगढ़ की ओर से हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।